नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे जीएसटी R1 अपडेट इन सर्विस सेक्टर। अगर आप लोग किसी सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो अब आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न भरते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि अब जीएसटी पोर्टल और साथ साथ बीजी के अंदर अपडेट आया है और उस अपडेट की मदद से हम अपनी जीएसटी R1 को सही तरीके से फाइल कर सकते हैं अगर हम सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम आपको सबसे पहले बता दें, बीजी का एक नया रिलीज आया 215, जो 12 जून 2021 को लॉन्च किया गया। अगर आपके पास बीजी का वर्जन 21 है और रिलीज 3.6 है, तो इसके साथ साथ आपके पास स्टेचुरी रिलीज 215 या उसके अबव होना चाहिए। बेसिकली सर्विस सेक्टर के लिए डिपार्टमेंट ने कुछ चेंज किए हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ने एक नई क्वांटिटी कोड को इंसर्ट किया है। अगर आप लोग पहले सर्विस सेक्टर में काम करते थे और अपनी क्वांटिटी में NA लेते थे, तो वहां पर अदर वाला ऑप्शन आता था, जस्ट लाइक मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर लेकर चलता हूं। और अब अगर मैं यहाँ पर 99 टाइप करके आगे बढ़ूंगा, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी कोड बाय डिफॉल्ट NA हो जाएगा और जो मेरी टोटल क्वांटिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। इसलिए बीजी इंफोटेक ने भी यहाँ पर आपको बताया है अपने स्टैच्यू रिलीज में कि अगर आप अपनी क्वांटिटी कोड NA टाइप करते हैं, तो आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिक 99 पिक हो जाएगा और जो पुराने यूजर हैं उसे क्या करना पड़ेगा, अपने रिलीज को अपडेट करना पड़ेगा। तो सर, अगर हम बीजी का सॉफ्टवेयर चलाते हैं और ऑलरेडी हम बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमने पहले से ही अपनी आइटम के अंदर NA टाइप कर रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सर यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, NA आ जाए, तो इसके लिए आपको अपना स्टैचरी अपडेट करना है। अगर आपके पास बिजी 3.7 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3.6 से नीचे का वर्जन है तो आपको अपना वर्जन अपडेट करना है और साथ साथ अपना स्टैच्यू रिलीज भी चेक करना है। अगर आप लोगों को अपना स्टैच्यू रिलीज अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा चेक बिजी अपडेट के अंदर। जैसे ही आप चेक बिजी अपडेट पर क्लिक करेंगे, तो हमारे जो सिस्टम में अभी करंट इंस्टॉल है स्टैच्यू रिलीज वो 213 है, लेकिन अगर हम पोर्टल पर देखें या बिजी की वेबसाइट पर देखें तो वहां पर रिलीज 215 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दूंगा और इसे डाउनलोड कर लूंगा। आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पर ये ऑलरेडी डाउनलोड होकर रखा हुआ है। मैंने यहाँ से शो इन डेस्कटॉप किया और मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है। बस आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का प्रोसेस वैसा है जैसा आपने सभी सॉफ्टवेयर के अंदर किया है, बस इसे नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल कर दें। तो आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, तो अब आपका बीजी का स्टैचुरी रिलीज 215 हो गया है। इसके बाद आपको फिनिश बटन पर क्लिक करना है और अगेन अपने बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो आप जैसे ही अपने बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपके सामने रिलीज मिलेगा 3.6 और साथ साथ आपको यहाँ पर स्टैचुरी मिलेगा 215, या अगर आपका करंट वर्जन होगा तो जो आपका स्टेचरी होगा वो आपको यहाँ पर टॉप में शो हो जाएगा। अब हम अपनी वही कंपनी को ओपन कर लेते हैं, सर्विस सेक्टर वाली को। हमने इस कंपनी को ओपन किया, यहाँ से अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप किया और उसके बाद अब हम किसी भी अपनी एक आइटम पर जाते हैं। मान लो मैंने यहाँ से आइटम को ओपन किया, मॉडिफाई में गया और यहाँ से कॉरियर पे आया, और कॉरियर पे आने के बाद मैं यूनिट में गया और यूनिट के बाद यहाँ पर जो मेरा यूनिट क्वांटिटी कोड था, अब मैं इसको चेंज करके NA करके सेव कर दूंगा और F2 कर दूंगा। तो आप इस तरीके से अपनी पुरानी आइटम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी नहीं बना होता, तो जब आप आइटम बनाते तो ये अपने आप ही बाय डिफॉल्ट क्या पिक कर लेता, NA पिक कर लेता, और अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, NA मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से ही
यहाँ क्या कर सकते हैं, यूनिट क्वांटिटी कोड को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि अगर आपने गलती से NA लिया है और उसके अंदर क्वांटिटी डाल दी है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी जो क्वांटिटी है उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और आप इसे पोर्टल पर भी देख सकते हैं, आपने यहाँ पर क्वांटिटी कोड डाला तो बाय डिफॉल्ट यूनिट क्वांटिटी कोड NA आ गया और जो आपकी टोटल क्वांटिटी थी वो जीरो पिक हो गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि व्हाइल चेकिंग फॉर पॉसिबल एरर यूनिट क्वांटिटी कोड NA नॉट स्पेसिफाई विद सर्विस आइटम विल बी शोन एज ए एरर। अगर कह रहा है कि अगर आपने यूनिट क्वांटिटी कोड के अंदर NA ले रखा है लेकिन उसकी जो यूनिट क्वांटिटी कोड है उसके अंदर NA नहीं है, तो वो आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो प्लीज अगर आपको अपनी GST R1 को रेडी करना है तो आप ध्यान से इस तरीके से ही करना, अदरवाइज यहाँ पर आपको एरर मैसेज मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से अपनी मई की रिपोर्ट को ओपन किया, इसके बाद मैं ओके बटन पर क्लिक करूंगा। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद मैं HSN पे जाऊंगा, तो जैसे ही मैं HSN पे जाऊंगा तो यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने कोई भी एरर मैसेज नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसका यूनिट क्वांटिटी कोड चेंज कर दूं, तो देखो मैंने यहाँ से अदर कर दिया और इसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एरर मैसेज मिलेगा जिस पर लिखा होगा यूनिट क्वांटिटी कोड शुड बी NA फॉर द सर्विस अकाउंट कोड। आप सभी को पता है सर्विस के लिए आपका SAC नंबर होता है, ना कि HSN कोड होता है। तो प्लीज अगर आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप इस चेंज को अपने बिजी सॉफ्टवेयर में कर लीजिए, अदरवाइज आपको काफी दिक्कत हो सकती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।